इतना वैकेंसी खाली है, क्यों नहीं अभी तक भर्ती लिया जा रहा है? कौन सा युवा उनके साथ है सर? 5 रुपए का पकौड़ी बेचने के बोलते हैं युवा, हम IIT करेंगे, BHU से पास होकर के निकलेंगे, हम इंजीनियरिंग करके निकलेंगे, हम पकौड़ा तलेंगे क्या? हमारी यही औकात है कि हम पकौड़ा तलें? ये रोजगार होता है क्या? बीजेपी नारी के सम्मान में कभी खड़ी नहीं होती। ऐसे नहीं है मनीषा कांड की तरह की रातों रात बेटियों को जला दो, उसके परिवार को भी ना जवाब बोलते हो, बेटियां सुरक्षित है, उतना उनको जन्म लगेगा पढ़ने में। बोलेंगे दोबारा मोदी जी जन्म लेंगे, तब तक भी ना राहुल गांधी की डिग्री के बराबर नहीं आ पाएंगे। ठीक है कि उनके पास रोजगार है, बोलते नहीं झंडा उठाने का कितना 5 रुपए मिल रहा है। आज हमारे युवा की ये कंडीशन है, आज हम उस युवा के लिए लड़ रहे हैं और हमारे नेता उस युवा के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ कौन सा युवा उनके साथ है सर? 5 रुपए का पकौड़ी बेचने के बोलते हैं युवा, हम IIT करेंगे, BHU से पास होकर के निकलेंगे, हम इंजीनियरिंग करके निकलेंगे, हम पकौड़ा तलेंगे क्या? हमारी यही औकात है कि हम पकौड़ा तलें? ये रोजगार होता है क्या? राम मंदिर के सामने कटोरा लेके भीख मांगे, ये रोजगार होता है क्या? वहाँ पे बोलते हैं ठेला लगाइए, वहाँ पे मॉल खुल रहा है, मॉल पे सामान बेचने का काम करेंगे क्या हम युवा? हमारी यही औकात रह गई है कि हम इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे मॉल खुल रहा है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन खुल रहा है, वहाँ पे ये खुल रहा है, वहाँ पे चना मुर्रा बेचेंगे, इसके लिए पढ़ाई की है क्या? आप बताइए रेलवे में जॉब है, इतना वैकेंसी खाली है, क्यों नहीं अभी तक भर्ती लिया जा रहा है? आप बताइए अग्निपथ योजना के थ्रू में हमारे आर्मी के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, आज अग्निवीर क्यों बैठे हुए हैं सर रोड पे, दिल्ली के रोड पे क्यों अपना टी शर्ट उतार के चिल्ला रहे हैं कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाए? 4 साल की नौकरी में 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की नौकरी रहती है, ऐसी कौन सी नौकरी है? और जब ये शहीद हो जाए उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आप एक महिला है, राहुल गांधी कह रहे हैं नारियों के साथ सम्मान नहीं हो रहा, लग रहा सम्मान नहीं मिल रहा सर। आप बताइए इलेक्शन से पहले आरक्षण की बात मोदी जी ने की थी नहीं की थी? कहाँ है? जब इलेक्शन खत्म हुआ, 3 राज्य का लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन खत्म हुआ तो आरक्षण की बात खत्म हो गई, लेकिन राहुल गांधी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने 33% आरक्षण पंचायत राज में दिया था, और राहुल गांधी ने अभी कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होगी। इंदिरा फेलोशिप भी इसी कारण से चल रहा है, आधी आबादी पूरा हक, ये न्याय सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस ही दिला सकता है, बीजेपी कभी नहीं दिला सकती, क्योंकि बीजेपी नारी के सम्मान में कभी खड़ी नहीं होती। नारी के सुरक्षित है, मणिपुर में महिला सुरक्षित है, IIT BHU में महिला सुरक्षित है, IIT BHU में क्या हुआ है, मणिपुर में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में FIR लिखने से बंद कर दिया, और डाटा दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ कि UP में एक भी क्राइम नहीं है। अरे आप FIR लिखोगे नहीं तो डाटा जनरेट कहाँ से होगा भैया? आप राजस्थान को बोलते हो सबसे ज्यादा क्राइम है, कम से कम FIR दर्ज हो रहा तभी तो आपको डाटा मिल रहा, और जब FIR दर्ज हो रहा तो एक्शन हो रहा है। ऐसे नहीं है मनीषा कांड की तरह की रातों रात बेटियों को जला दो, उसके परिवार को भी ना दो, बोलते हो बेटियां सुरक्षित है, कहाँ पे बेटियां सुरक्षित है? आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल तो मणिपुर है, IIT BHU है, उसके बाद मनीषा जी है जिनको बीजेपी के लोगों ने होटल पे सेक्स रैकेट ना चलाने की वजह से उनको तालाब में फेंक के मार दिया, उसमें बीजेपी के नेता है, और IIT BHU के जो 3 लड़के थे वो IT सेल ऑफ बीजेपी थे जो 60 दिनों से घूम रहे थे, उस पर किसी ने कुछ बयानबाजी नहीं की, फिर भी सुरक्षित है। बेटियां कहाँ पे सुरक्षित है सर? कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज, कहाँ पे लड़कियां सुरक्षित है? चलते रोड में उनको नंगा घुमा दिया जा रहा है, कहाँ पे बेटी सुरक्षित है? क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा चली है, सर होगा कुछ? बिल्कुल असर होगा सर, जैसे राहुल गांधी जी आएंगे सबसे पहले आरक्षण की बात उन्होंने की है, महिला आरक्षण वो देंगे, बेटियों की सुरक्षा के लिए वो आएंगे, नारी योजना निकालेंगे, और उनके दिए हुए हर वादों को वो जरूर पूरा करेंगे। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका वादा मोदी की गारंटी की तरह झूठी नहीं होती है, अगर उन्होंने कहा है तो वो करेंगे, और वही एक ऐसा पार्टी है कांग्रेस ने देर सवेर हमेशा आरक्षण और महिलाओं के लिए उन्होंने ही कदम उठाया है, ना कि मोदी ने उठाया है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी को न्याय के लिए ज्ञान की जरूरत है, बोलिए सर उसकी जितनी डिग्री है ना उतना उनको जन्म लगेगा पढ़ने में, बोलेंगे दोबारा मोदी जी जन्म लेंगे ना तब तक भी हो ना राहुल गांधी की डिग्री के बराबर नहीं आ पाएंगे, तो उनको बोले पहले आप डिग्री लेकर के आइए सर, अपनी फॉल्स डिग्री हमें ना दिखाइए, यहाँ पे पढ़े लिखे युवा हैं उनको सब समझ में आता है, ये फेक डिग्री ना दिखाया करें। जो एक टेलीग्राफी के बिना कुछ बोल नहीं पाते हैं वो हमारे राहुल गांधी से पूछते हैं कि वो उनको ज्ञान की जरूरत है, उनको बोलिए कि आप अपना ज्ञान पहले लेकर के आइए सर। मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों को दुख दर्द जान रहा हूँ, गरीबों के चैटर फ्लाइट पे खुलेंगे, मशरूम खाएंगे, 5 लाख का सूट एक दिन पहनेंगे, 4 बार कपड़ा चेंज करेंगे सर, ऐसा गरीब भगवान सबको बना देंगे।